साधुगढ़ ब्लॉक के ग्राम जानमेर में सिसोदिया एवं राठौर परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के चतुर्थ दिवस कथावाचक पंडित चंपालाल व्यास टोडरवालों ने बताया कि भगवत कथा का श्रवण करने से जीवन में सुख शांति का समावेश होता है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। जहाँ भी जिस समय श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, इस अवसर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भजन में ही जीवन का सार है। कथावाचक व्यास जी ने माता पिता की सेवा किए जाने का आवश्यक बताते हुए कहा कि जिसने भी माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा कर ली, समझ लो कि उसके सभी तीर्थों की यात्रा कर ली। माता पिता के चरणों में ही तीर्थ होता है। उन्होंने ये भी कहा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव तन मिलता है, जिसका उपयोग सत्य के मार्ग पर चलने के लिए लगा दो, जन्म सफल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीवन में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। संसार में चारों ओर मोह माया व्याप्त है, जिनसे मानव फंस कर उनमें अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहा है, जबकि मनुष्य का शरीर अनेक जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है।